गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, दिस विल बी योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर सिक्स। बेटा ये चैप्टर सिक्स का आपका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर 2010, ठीक है। तो ऑफिस का पब्लिशर जो सॉफ्टवेयर है, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा पब्लिशर सॉफ्टवेयर आपका यूज होता है कि किसी चीज को पब्लिश करने के लिए। पब्लिश एज इन जैसे बुक्स पब्लिश होती हैं, आर्टिकल पब्लिश होते हैं, है ना, अलग अलग चीजें आप पब्लिश करते हो। एज इन रिटन डेटा को आप पब्लिश करते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में करते हो, ब्लॉग में लिखते हो, है ना। तो वो अलग अलग डेटा होता है आपका जो किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है, उसको आप पब्लिश करते हो, है ना। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर टूल को हम कैसे यूज करते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इज एन एंट्री लेवल पब्लिशिंग एप्लीकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो एंट्री लेवल है बेटा, मतलब शुरुआत जो लोग करते हैं पहली बार कुछ पब्लिश करने का, उनके लिए ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है। मतलब यहाँ पे आप शुरुआत में सीख सकते हो काफी कुछ कि किस तरीके से आप पब्लिकेशन अपनी बना सकते हो, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू हेल्प यू टू क्रिएट पब्लिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स दैट यू कैन प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपका इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि आप अपना पब्लिकेशन क्रिएट कर सको या डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सको जिससे कि आप प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो ये इस तरीके का डिजाइन है कि आप इसमें अपना किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट बना सकते हो, पब्लिकेशन बना सकते हो, जिससे कि आप बाद में प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सको, ठीक है। पब्लिशर ऑफर्स templates and other tools to create a variety of artistic documents such as brochures, newsletters, business cards and menus. तो पब्लिशर आपको अलग अलग टेम्पलेट्स देता है। टेम्पलेट्स एज इन टेम्पलेट्स आपने सुना होगा, जैसे आप लोगों के मैसेज में टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन रहता है। मैसेज अगर आप लोगों ने खोला तो उसमें टेम्पलेट्स लिखे होते हैं। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं बेटा, प्री डिफाइंड मैसेजेस होते हैं। मैसेज में जब अगर आप जाओ तो टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड मैसेजेस होते हैं। यहाँ पे पब्लिशर में क्या होता है, प्री डिफाइंड आपका वो पीछे का लेआउट होता है, ठीक है। लेआउट एज इन जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग अगर देख रहे हो लगातार आपके हर एक चैप्टर से पहले यहाँ पे ये लिखा रहता है, यहाँ पे सिक्स लिखा रहता है, यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर का कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे ऐसे डेटा लिखा होता है ना। तो जनरली ये लेआउट है, ठीक है, ये हमारे इस पेज का लेआउट है, फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, ये लेआउट है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके लेआउट का यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाता है जिससे कि आप अलग अलग चीजें बना सकते हो, जैसे कि ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर्स, बिजनेस कार्ड्स एंड मेन्यूज, ठीक है। पब्लिशर ऑफर्स अ वर्क एनवायरनमेंट दैट मेक्स इट इजी टू वर्क विद डॉक्यूमेंट्स इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। तो पब्लिशर क्या करता है बेटा, ये आपको एक बहुत अच्छा सा वर्क एनवायरनमेंट देता है, ठीक है। मतलब इसमें आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बहुत ईजिली बना सकते हो, शेप्स एंड साइजेस का मैटर नहीं करता है, आप जैसे चाहो उसको बना सकते हो, ठीक है। आप अपना डॉक्यूमेंट बहुत इजीली यहां पे क्रिएट कर सकते हो। इट हैज द एबिलिटी टू क्रिएट प्रिंटेबल मटेरियल्स क्विकली एंड इजीली, ठीक है। तो इसकी एक एबिलिटी है जिससे कि अपना मटेरियल बहुत आसानी से और जल्दी बना सकता है, ठीक है। एबिलिटी कैसा है कि मतलब इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि आप इजीली अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो और जल्दी बना सकते हो, ठीक है। The text and image tools included in Publisher make document layout easier and more creative. तो text and image tool जो Publisher में आपको मिलते हैं अलग अलग, उनसे आप अपने document का layout बहुत easier, मतलब बहुत easy तरीके से आप अपना layout set कर सकते हो और creative भी बना सकते हो, ठीक है। Microsoft Publisher is an application from MS Office for designing, customizing and sharing all sorts of publication in an easy way. ठीक है, तो Microsoft का जो publisher है, application है ये वाला, ये हमारा designing के लिए use करते हैं हम, मतलब अपना text design करने के लिए, है ना, अपना article design करने के लिए, customize करने के लिए, मतलब उसका कुछ data अगर आप चाहो तो manipulate कर सकते हो उस तरीके से, है ना, and share करने के लिए, ठीक है। इससे कि आप हर तरीके का डेटा, हर तरीके का पब्लिकेशन आप शेयर कर सको थ्रू आउट इंटरनेट, ठीक है। पब्लिशर्स फाइल एक्सटेंशन इज .pub। तो पब्लिशर का जो एक्सटेंशन होता है, मतलब लास्ट में जो फाइल के लगता है, वो होता है .pub, है ना। उसके बाद है स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर क्लिक ऑन स्टार्ट बटन देन सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम। तो अगर आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे जाओगे और क्लिक सिलेक्ट करोगे ऑल प्रोग्राम को,
ठीक है, लुक फॉर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2010। आप क्या करोगे, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2010 को सर्च करोगे और उस पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी विंडो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर की ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया गया है। हमने क्या किया, हम पहले तो यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर ढूंढा, उस पर क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे, इस तरीके का आपका विंडो खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके के विंडो में अलग अलग आपको टेम्पलेट्स मिले हुए हैं कि आप ब्रोशर बनाना चाहते हो, बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हो या क्या बनाना चाहते हो, तो उस तरीके से आपको पब्लिशर्स में अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और इफ़ यू कैन सी एन आइकन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर ऑन योर डेस्कटॉप, डबल क्लिक द आइकन टू ओपन द प्रोग्राम। और अगर आपके डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का आइकन बना हुआ है तो आप उस पर भी डबल क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर को खोल सकते हो। When the publisher will open, you will see a window with number of options to get started with a new template. The window will appear as. तो जब आप पब्लिशर आपका खुल जाएगा तो कुछ इस तरीके का खुलेगा, जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ टेम्पलेट्स हैं जिनसे आप सिलेक्ट करके अपना पब्लिकेशन या अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, An email program was first included in Microsoft Office 3.0. तो ईमेल प्रोग्राम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3.0 में इंक्लूड हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ईमेल से क्या होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट को नेट पे भेज सकते हो, है ना। तो इस लेक्चर में बेटा आपका बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।